अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, इसकी आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। ये कुछ नंबर्स दिए हैं, उसने कहा कि इन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड करें। तो इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने से पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपनी बुक के पेज नंबर 22 पे। यहाँ पे क्यूब रूट्स उसने फाइंड किए हैं यूनिटी के। यूनिटी मींस 1। यहाँ पे वो 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करेगा, और ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड आउट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं यूनिटी के। तो फर्ज किया, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। जैसे अगर 1 के क्यूब रूट हों तो 1 की पावर 1/3। तो फर्ज किया लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्ज किया गया x जो है वो 1 का क्यूब रूट है, मतलब 1 की पावर 1/3 जो है, 1 का क्यूब रूट जो है वो इक्वल है x के। अब इसको ये हमने खुद सेलेक्ट कर लिया। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्यूब क्यूब लेंगे इसके क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए। इधर भी क्यूब लिया, इधर भी ये 1/3 की पावर 3 लिया। अब ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा और ये इधर बचेगा x क्यूब इक्वल्स टू 1। यहाँ भी ये प्लस 1 है, इसको उठा के ले आएंगे, माइनस 1 हो जाएगा। x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यह इसको 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अभी हमारे पास फार्मूला आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये इसको खोलेंगे, ये कैसे खुलता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वेयर 1 नहीं होगा, तो ये ऐसे खुलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 की इक्वल पुट कर लेंगे। ये एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये माइनस 1 है, इधर आगे प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसको हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, और कॉन्स्टेंट टर्म भी 1 है, तो ए की वैल्यू भी 1, बी की भी 1, सी की भी 1। तो फार्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी वैल्यूज पुट की, माइनस बी बी की जगह 1, अगर बी का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस 4 ए सी ए की जगह पे भी 1, सी की जगह पे भी 1, नीचे 2 ए ए की जगह पे भी 1। अब माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस ये 4 वन जब 4। अब 1 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 3। अब ये हमने पहले भी बात डिस्कस की थी, जब भी स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, वो अयोटा बन के बाहर आ जाता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो माइनस 1 का स्क्वेयर रूट है वो अयोटा के इक्वल होता है। मतलब यहाँ से हम माइनस 1 को अगर सेपरेट करें तो उस योटा स्केयर आ जाएगा, योटा स्केयर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो फिर योटा स्केयर जो है उसके रूट से काट के बाहर आ जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ भी स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए वो योटा की फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब इसको ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस योटा 3/2। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। इसको पहले प्लस वाली के साइन के साथ लिखेंगे, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2, और फिर माइनस वाला लिखेंगे माइनस 1 माइनस योटा 3/2। ये आपने याद रखना है, ये इसमें से इसको प्लस वाले फैक्टर को बोलेंगे ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा होता है। और ये माइनस वाला जो फैक्टर है इसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर, एक फैक्टर को बोलेंगे ओमेगा और एक को बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो फिर लास्ट में ये लिख देंगे, सो ये हमारे पास 3 रूट्स आए हैं 1 के, एक हमारे पास 1 आया है, एक यहाँ से ये ओमेगा आया, एक ओमेगा स्क्वायर आया। सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये फाइंड करने थे हमने। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि क्यूब रूट फाइंड करें माइनस 1। अब माइनस 1 के जो हैं वो बिल्कुल 1 की तरह से ही फाइंड होंगे, जैसे हमने अभी 1 के किए हैं, माइनस 1 के बिल्कुल वैसे ही होंगे। अब हम 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। तो 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए देखें ज़रा, यहाँ पे फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब बिल्कुल सेम वैसी पैटर्न है, पहले इसको लेट का लेना है कि फर्ड्स किया जो एक्स का एक्स है वो 8 का क्यूब रूट है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8। तो 8 का क्यूब रूट मींस 8 की पावर 1/3। तो फर्ड्स किया 8 की पावर 1/3 जो है वो इक्वल है एक्स के। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, जो क्यूब रूट हमने लिया होगा इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे, इधर भी क्यूब लिया, इधर भी क्यूब लिया, इसकी पावर 3/3 से कट जाएगी, ये एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। अब ये प्लस 8 है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यूब होता है ये, 2 क्यूब इक्वल्स टू 0। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया, इसको खोल देंगे, a माइनस b मतलब कि x माइनस 2। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 2, और ये ab आ गया इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल्स टू ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये 2x आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x माइनस 2 को इक्वल का 0 पुट इक्वल टू 0 पुट किया, ये आ जाएगा माइनस 2, इधर माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, और इस फैक्टर को पुट करेंगे 0 के इक्वल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है वो b की वैल्यू है,
है, कॉन्स्टेंट टाइम सी की वैल्यू है। फार्मूला लगाएंगे माइनस बी या बी की जगह पे टू प्लस माइनस बी स्केयर मतलब टू का स्केयर माइनस फोर ए सी ए की जगह पे वन और सी की जगह पे फोर ओवर टू ए ए की वैल्यू वन। अब ये माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू का स्केयर फोर माइनस फोर फोर जो सिक्सटीन ओवर टू माइनस टू प्लस माइनस माइनस। अब ये फोर में से सिक्सटीन को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा ट्वेल्व, सिक्सटीन बड़ा है माइनस ट्वेल्व। अब यहाँ पे भी क्या होगा जी नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ पे भी हो वह योटा की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये माइनस टू प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व का हमने ले लिया एलसीएम, ये टू की पावर, ये टू की पावर टू और थ्री बनेगा इसके फैक्टर्स, टू की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री। अब ये जो टू है वो स्क्वायर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा माइनस टू प्लस माइनस टू योटा थ्री ओवर टू। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाली वैल्यूज में से टू कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ से दोनों में टू है तो टू कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस वन प्लस माइनस योटा थ्री ओवर टू। अब इस टू को इस टू से कटिंग नहीं करनी इसकी, इसको हमने ऐसे ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमने जब इसके यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड किए तो उसमें ये चीज़ को एक फैक्टर को हमने प्लस वाले फैक्टर को बोला था ओमेगा और माइनस वाले फैक्टर को हमने बोला था ओमेगा स्केयर। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा माइनस वन प्लस स्केयर रूट थ्री ओवर टू, जहाँ पर ये फैक्टर बने ये वन का क्यूब रूट है एक तो इसको ओमेगा का नाम देंगे, ये टू और ये पूरे की जगह पर ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पे जो माइनस वाला फैक्टर होगा माइनस वन माइनस योटा ओवर थ्री स्केयर रूट थ्री ओवर टू, इसको बोलेंगे ओमेगा स्केयर, तो ये टू ओमेगा स्केयर आ जाएगा। सो टू टू ओमेगा और टू ओमेगा स्केयर आर द क्यूब रूट्स ऑफ एट, ये एक ये वाला टू ओमेगा और ये टू ओमेगा स्केयर और ये टू पीछे से जो आया था ये वाला, ये तीन जो हैं वो इसके टू एट के क्यूब रूट्स हैं। सेम इसी तरह से ये बाकी माइनस ट्वेंटी सेवन और सिक्सटी फोर भी इसी तरह से होंगे जिस तरह से एट के फाइंड किए हैं।